आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन में आधार कार्ड को कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ, इसे गाइज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे गाइज यहाँ पे क्वेश्चन गाइज यहाँ पूछे गए थे कि सर बताइए कि माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन में मैं अपने आधार कार्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने आधार कार्ड को चेंज कर पाऊँगा, या मेरे पास आधार कार्ड चेंज करने का ऑप्शन है या मेरे पास आधार कार्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो गाइज आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी गाइज यहाँ पे डाउट हैं, सभी सवालों का जवाब देंगे। और गाइज आप लोग अपने आधार कार्ड को चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आधार कार्ड को चेंज कर पाएंगे और न्यू आधार कार्ड कैसे अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप आएंगे, एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे जाना, गाइज यहाँ पे आपको तीन लाइन पे, जैसे गाइज यहाँ पे तीन लाइन के ऑप्शन में जाएंगे तो गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। और यहीं पे गाइज आपको होम पेज में देखने को मिलेगा अकाउंट, गाइज यहाँ पे आपको डिटेल का अकाउंट, गाइज यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा माई अकाउंट। सिंपल गाइज यहाँ पे माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आना है। माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे गाइज यहाँ पे देखेंगे मेरा गाइज यहाँ पे जो आधार कार्ड वेरीफाई है, मेरा गाइज यहाँ पे जो है पैन कार्ड वेरीफाई है, मेरा गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई है। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो मेरा गाइज यहाँ पे जो ईमेल आईडी भी वेरीफाई है। लेकिन गाइज आप चाहते हैं कि मैं अपने आधार कार्ड को चेंज करूँ, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि गाइज आप जो है यहाँ पे गाइज आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि जब भी गाइज आपने माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन में KYC कम्प्लीट गाइज यहाँ पे करके रखे होंगे तो गाइज आपने एक ही पर्सन का आधार कार्ड डाला होगा, एक ही पर्सन का पैन कार्ड डाला होगा, एक ही पर्सन का बैंक अकाउंट डाला होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड को चेंज करते हैं तो गाइज आपको फिर पैन कार्ड भी चेंज करना होगा, आपको बैंक अकाउंट भी चेंज करना होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे KYC का मतलब ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो गाइज यहाँ पे एक ही पर्सन के होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड डाल रहे हैं अपने भाई का, बैंक अकाउंट डाल रहे हैं अपना खुद का, और पैन कार्ड डाल रहे हैं गाइज यहाँ पे अपना मम्मी का, अपने पापा का। तो गाइज ऐसा नहीं होगा गाइज, KYC में गाइज आपने सारे डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन का डाला होगा। तो इस कारण से गाइज आप यहाँ पे आधार कार्ड को गाइज यहाँ पे आप सिंपली तो चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे जो है अपने आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए गाइज आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपल गाइज यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और नीचे गाइज आपको यहाँ पे जो है गाइज यहाँ पे आपको कॉल वाला भी ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे मैसेज वाला भी ऑप्शन दिखेगा। तो डायरेक्ट गाइज यहाँ पे आप कंपनी के गाइज यहाँ पे कस्टमर केयर को गाइज कॉल करेंगे या उनको मैसेज करके बोलेंगे कि सर मैं अपने आधार कार्ड को चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने पैन कार्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो कंपनी वाले खुद गाइज आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड को चेंज कर पाएंगे या अपने आधार कार्ड को चेंज नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।